सन 1927 में प्रकाशित मदर इंडिया नामक पुस्तक, जिसकी लेखिका न्यूयॉर्क निवासी मिस कैथरीन मेयो थी, उसने भारत में खलबली मचा दी थी। हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर गर्व करने वाले नेता ऐसे बिलबिलाए जैसे हजार बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। महात्मा गांधी समेत सभी हिंदू नेताओं ने इस पुस्तक का खंडन किया। लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक किताब लिखी, अनहैप्पी इंडिया, दिलीप सिंह सौद की माई मदर इंडिया, धन गोपाल मुखर्जी की अ सन ऑफ मदर इंडिया आंसर्स, श्रीमती चंद्रावती लखनपाल ने गंगा पुस्तक माला नाम की पुस्तक में मदर इंडिया का प्रतिरोध किया। 1957 में मदर इंडिया नामक फिल्म इस पुस्तक की प्रतिक्रिया में ही बनी थी। 27 जनवरी 1867 को पेंसिल्वेनिया में जन्मी कैथरीन मेयो 1924-25 के दौरान भारत आई थी। वे पूरे भारत में घूम घूम कर यहाँ के गाँव, लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महिलाओं और शूद्रों के हालात पर गहन अध्ययन किया और अपने अनुभवों के आधार पर मदर इंडिया नामक किताब लिखी, जिसने हिंदू जगत को विचलित कर दिया। इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कमल भारती जी ने किया, जिसका मकसद गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा लगाने वाले हिंदू राष्ट्रवादी की आंखों का जाला हटाना है, ताकि वे देख सके कि क्या सचमुच हिंदू संस्कृति में स्त्रियों, दलितों और आदिवासियों के लिए गर्व करने योग्य कुछ है भी या नहीं। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, सुनकर आपका खून न खौल जाए, दिल न द्रवित हो जाए और दिमाग न सुन्न हो जाए तो कहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो की रीच बढ़ाए और मेरा मनोबल ना गिरने दें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मदर इंडिया पुस्तक कुल 5 भागों और 30 अध्यायों में सिमटी है। अगर हो सके तो इसे खरीदकर अवश्य पढ़िएगा, जिससे लेखक को सपोर्ट मिलेगा। इसका पहला अध्याय मांडले की बस, जिसमें कलकत्ता में बने काली घाट मंदिर का दृश्य दिखाया गया है। कलकत्ता इसी काली घाट अर्थात काली के स्थान से बना है। काली हिंदुओं की एक देवी है, जो विनाश के देवता शिव की पत्नी है। काली का काम संहार करना है, उसकी प्यास बलिदान के रक्त से शांत होती है। कहा जाता है कि विश्व में उसका आध्यात्मिक शासन लगभग 5000 साल पहले आरंभ हुआ था और 4,32,000 साल तक रहेगा। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है, जो 3 शताब्दियों से उसके पास है। 3 शताब्दियों का मतलब 300 साल, यानी कि मुगलों के द्वारा दान की गई, क्योंकि उस समय मुगलों का ही शासन चल रहा था भारत पर। कमाल की शातिर थी यह तथाकथित भूदेव जाति। आज इस संपत्ति के स्वामी एक ही पिता के 100 पुत्र हैं। इन्हीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र ने मुझे ब्राह्मण मित्र के साथ मंदिर परिसर दिखाने की अनुकंपा की है। इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ जमीन है, जिसकी आय कर मुक्त है। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो की कर से मुक्त है। यहाँ नजदीक और दूर सभी जगह के लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप और ऊपर नीचे हैं, और इसकी जो आय होती है वो भी इन्हीं भूदेवों के पास जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को तेजी से चीर कर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हल्दार ने हमें वह खास मंदिर दिखाया, जिसमें एक देवी की धुंधली सी मूर्ति नजर आई। उसका चेहरा काला है, उसकी जीभ बाहर को निकली हुई है, जिससे खून टपक रहा है। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में कटा हुआ रक्त रंजित मानव सिर है, और दूसरे हाथ में खड़क, तीसरे में रक्त से भरा हुआ पात्र, और चौथे हाथ में धपकाने वाली मुद्रा खाली है। अचानक एक मिमियाने की चीत्कार सुनाई दी। हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। यहाँ 2 पुरोहित खड़े थे, एक के हाथ में मुड़ी हुई खड़क थी और दूसरा बकरी के बच्चे को पकड़े हुए था। बकरी का बच्चा चीख रहा था, क्योंकि हवा में हिंसा की गंध थी, जिसे सूंघकर प्राणी सिहर जाते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहित ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। दोस्तों, मैं इसे आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, आप खुद अपनी तर्क बुद्धि से, अपने विवेक से इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त एक साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर लेट गए। उसी समय एक औरत आकर फर्श पर लेट गई और अपनी जीभ से नीचे गिरे हुए उस खून को बच्चा पैदा करने की आशा से चाटने लगी।
तो दूसरी औरत उस खून पर अपना कपड़ा डाल देती है और उसे खून में लपेट कर अपने वक्ष में रख लेती है। अब हम गंगा दिखाएंगे। वह हमें मंदिर के नीचे ले गया। वहाँ कीचड़ युक्त एक छोटा सा नाला बह रहा था जिसमें नहाने वालों की भीड़ थी। मिस्टर हल्दर ने कहा, यह प्राचीन गंगा की अवशेष धारा है, इसीलिए ये बहुत गुणवान मानी जाती है। यहाँ हर वर्ष हजारों बीमार लोग स्नान करने आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए उसे कोई त्वचा संबंधी कोई रोग है और वह बीमार व्यक्ति उस पानी में नहाएगा और उस पानी में उसके अगल बगल और लोग भी नहा रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह त्वचा संबंधी रोग किसी दूसरे को संक्रमण के द्वारा फैल सकते हैं। सामान्यतः एक भारतीय लड़की रजस्वला होने के 9 महीने बाद माँ बनने की प्रतीक्षा करने लगती है। ये बात मैं तब की बता रही हूँ, 1924-25-26-27। उस समय बाल विवाह का बहुत प्रचलन था जिसके विरुद्ध अब कानून बन गया है। अर्थात 14 और 8 वर्ष की आयु के बीच में ही, जबकि 8 वर्ष की आयु तो बहुत कम है, लेकिन 14 वर्ष की आयु औसत से ऊपर है। वे माँ तो बन जाती हैं, पर उनका शरीर कमजोर रहता है। वे पूरी तरह अशिक्षित होती हैं। उनके ज्ञान की सीमा सिर्फ यहीं तक रहती है, घर के देवताओं की पूजा कैसे की जाए, भूतों के प्रकोप से कैसे शांत किया जाए और अपने पति की किस तरह सेवा की जाए, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्थाओं में उनका पति ही उनका देवता होता है। अब पति के बारे में भी सुनिए। वे अपनी पत्नी के साथ पहली बार सहवास करने वाला उसी की उम्र का या कोई छोटा बालक भी हो सकता है अथवा कोई 50 साल का विधुर भी हो सकता है। उसे अपने पति वाले अधिकार अवश्य चाहिए। वह अपरिपक्व हो या निशेष, किसी भी स्थिति में उसमें स्वस्थ बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए छोटी माँ एक विनाशकारी गर्भ की पीड़ा झेलती है जिसका अंत उस प्रसव में होता है, जिसकी यातनाओं को अगर विस्तार से ना बताया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते जब मैंने इस पुस्तक में प्रसव के तरीकों और स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती और यौन संक्रमण की बीमारी को विस्तार से पढ़ा तो मेरा दिल रो पड़ा। अगर बच्चा अपने जन्म की यातना से जीवित बच भी जाता है तो वह कमजोर बच्चा होता है। उसमें ना सही हड्डियां होती हैं, ना शरीर में जान होती है। उसमें मैथुन संबंधी रोग का जहर भी भरा होता है। मैथुन संबंधी रोग से मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हिंदुओं के महान देवता शिव हैं, जिसकी मूर्ति सब जगह पुरुष लिंग के रूप में होती है। देवी देवताओं के संभोग के विस्तृत वर्णन भजनों या स्त्रोत्रों में मौजूद है। यही चिन्ह उनको यौन संबंध का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। चाहे उम्र कोई भी हो, कितनी भी कच्ची उम्र हो, परंतु इन भजनों से सबका आमना सामना होता रहता है गाहे पगाहे, और साधारण लोग के दिमाग में वैसा करने के संकेत को धार्मिक स्वीकृति मिल जाती है। यदि यौन प्रतीक ना भी होते तो भी वे मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के रथों पर, महलों के दरवाजों पर तथा सड़कों के किनारे दीवारों पर बने भित्ति चित्र यौन क्रीड़ा के दृश्यों का ही प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में, संपूर्ण मानव जगत के ये क्रियाकलाप बच्चे के दिमाग में वह सब भर देते हैं जो ये चित्र दिखाते हैं। आज भी भारत यौन संबंधी उत्सुकता और पसंद में नंबर 1 है। ये सच है कि 12 सितंबर 1923 को जिनेवा में अश्लील साहित्य के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारतीय विधायिका ने बकायदा भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया। इस संशोधन में उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जो किसी भी तरह की अश्लील सामग्री, किताब, प्रस्तुति या चित्र को बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, खुलेआम दिखाता है, सूचित करता है या उससे लाभ प्राप्त करता है। इस संशोधन का मुसलमानों ने तो स्वागत किया, पर हिंदू इसके विरोध में थे, क्योंकि अगर ये पास हो जाता तो हिंदू धर्म से जुड़े विषयों, उनकी प्राचीन परंपराओं और हिंदुओं के प्रिय पुरोहितों के विशेषाधिकार के लिए तबाही आ सकती थी। देश के बहुत से भागों में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, किसी छोटे लड़के को उसकी शारीरिक सुंदरता के साथ इस तरह तैयार किया जाता है कि उसके आकर्षण का उपयोग प्रौढ़ पुरुषों की अप्राकृतिक कामतृष्टि के लिए किया जाए या फिर उसे वेश्यावृत्ति वाले किसी मंदिर से जोड़ दिया जाए, और उसमें उसके माता पिता को कोई भी बुराई नहीं नजर आती है, बल्कि वे उल्टे इस बात से खुश होते हैं कि उनका बेटा दूसरों के लिए आकर्षक बन गया। ये देखिए, पश्चिम ने तो अश्लीलता के खिलाफ कानून बनाया और आज हम बेशर्मी से कह देते हैं
की अश्लीलता पश्चिम की देन है। एक माँ, वह चाहे उच्च जाति की हो चाहे निम्न जाति की, यही चाहती है कि लड़की को ठीक ठाक नींद आ जाए और उसका लड़का मर्द बनने के लिए हस्त मैथुन करे। अपनी प्रवृत्ति की वजह से एक औसत लड़का जब संभोग शुरू करता है तब वह इस कार्य के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। इसे ना तो वह जरूरी समझता है ना अन्य लोग समझते हैं। हिंदू प्रथा के अनुसार आदमी को जितनी जल्दी हो सके एक वैध पुत्र चाहिए। उसके अंतिम समय में उसके पास उसका पुत्र ही होना चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पिता के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करता है जिससे कि उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। यदि बहुत दिनों तक पत्नी को बच्चा नहीं होता है तो हिंदू पति के पास एक अंतिम उपाय होता है कि वह अपनी पत्नी को भेंट का सामान देकर किसी मंदिर की यात्रा पर भेज सकता है। कुछ जातियों में तो समय बचाने के मकसद से शादी के बाद पहली रात को ही पत्नी को मंदिर भेजने की बात कही जाती है। वह स्त्री मंदिर जाकर दिन में भगवान से पुत्र के लिए प्रार्थना करती है और रात में मंदिर के अंदर ही सो जाती है। सवेरे वह पुजारी को अपनी व्यथा सुनाती है कि रात के अंधेरे में कौन उसके पास आकर सोया था। पुरोहित उससे कहता है, हे सौभाग्यवती, स्तुति करो, वे देवता थे। इसके बाद वह स्त्री घर वापस आ जाती है। दोस्तों, इसीलिए अक्सर ब्राह्मण देवता अपने आप को सबका बाप कहकर स्वतः ही अपनी प्रशंसा किया करते हैं। कितना अज्ञानी बनाकर रखा गया था लोगों को। भारतीय और ब्रिटिश दोनों अधिकारी इस बात से एकमत हैं कि विवाह के लिए लड़कियों की आयु बढ़ाने के संबंधित कोई भी नया कानून आज हिंदुओं को स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए उनका विचार था कि भारत के लोगों की इस मनस्थिति को देखते हुए वे अधिक से अधिक विवाहित दंपति के सहवास की आयु बढ़ाने की आशा कर सकते हैं। इस प्रकार एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद 10 वर्ष की आयु को 12 वर्ष करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, किसी न किसी चरण में जाकर रूढ़िवादियों के बहुमत से ये बिल पास नहीं हो पाया। हिंदुओं में लड़की का विवाह पूर्व रजस्वला होना यानी कि उसे पीरियड्स आना, यद्यपि यह एक समान बात है, पर यदि उसे धार्मिक नहीं तो सामाजिक पाप माना जाता है। पिता अपनी पुत्री को इस डर से घर में रखने का साहस नहीं करता है कि कहीं कन्यादान से पहले उसका शील भंग ना हो जाए, और इस अनैतिक कार्य की आशंका संयुक्त परिवारों में जहां अनेक पुरुष और लड़के, भाई, भतीजे, चाचा एक ही छत के नीचे रहते हैं विशेष रूप से रहती है। मद्रास के विद्वान ब्राह्मण सदस्य दीवान बहादुर टी रंगाचारी ने 1925 के गैर सरकारी बिल का प्रचंड विरोध किया जिसमें विवाह की सहमत आयु बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी। एक सदस्य का वक्तव्य जो कि मुझे काफी तार्किक लगा था, उसे मैं जरूर विस्तार से पढ़ना चाहूंगी। उत्तर भारत से ही एक सदस्य बोलता है जो कि सफेद दाढ़ी मूछ वाला, लंबा सीधा, दुबला पतला और ताकतवर, लोहे जैसा सख्त जमींदार है। जब वह बोलता है तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं। यह व्यक्ति पंजाब के एक वृद्ध सिख योद्धा सरदार हीरा सिंह बरार थे। उन्होंने कहा, महोदय, मेरा विचार है बाल हत्याओं को रोकने का सही हल यह है कि इस तरह के बच्चे पैदा करने वाले उनके माता पिताओं की पिटाई की जाए। इस तरह हमारे बहुत से वे मित्र भी थप्पड़ खाने लायक हैं जो स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए हमेशा विवाह की आयु बढ़ाने का विरोध करते हैं। क्या ये पाप नहीं है कि वे 9 या 10 वर्ष के बेबी और 10 वर्ष के लड़के को पति पत्नी कहते हैं? यह शर्मनाक है। यह इस पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 9 से 10 वर्ष की ये लड़कियां जो स्वयं बच्चियां हैं, गुड़ियों से खेलने की बजाय पत्नियां बनकर बच्चों की माएं बन जाती हैं। वे लड़के जिन्हें स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, वे अपने आधा दर्जन लड़के लड़कियों का परिवार संभाल रहे हैं। मैं ऐसे समाज में रहना पसंद नहीं करता। मैं ऐसे समाज पर शर्म महसूस करता हूँ जिसमें ना कोई पुरुषत्व है और ना ही नारीत्व। मुझे स्वयं पत्नी के रूप में एक 12 साल की छोटी लड़की के साथ समाज में जाने में शर्म महसूस होगी। हम सब बातें करते हैं, बातें और सिर्फ बातें, एक बार नहीं सैकड़ों बार, पर इन बातों से क्या हुआ? सारी बातें इस सदन में ही छोड़ देते हैं, सारी बातें मंच पर ही छोड़ देते हैं, घरों को कुछ नहीं ले जाते हैं। इसलिए कुछ भी होना नहीं है। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ राष्ट्र की बुनियाद है। इसके लिए बाल विवाह को रोका जाना जरूरी है, लेकिन जल्दी शादी करना और जल्दी मर जाना हम भारतीयों के लिए आदर्श बन गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है जिनमें उनके माता पिता देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए यह मन्नत मानते हैं कि वे अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे।
कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी, जिसे वे किसी कारण से घर में नहीं रखना चाहते, मंदिर को भेंट कर देते थे। इस प्रथा के अनुसार उस नन्ही जान को मंदिर की उन स्त्रियों को, जो खुद भी इसी प्रथा के तहत उस मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है। बहुधा 5 वर्ष की आयु तक वह काम की मान ली जाती है और वह पुजारियों की हवस मिटाने वाली वेश्या बन जाती है। मंदिर के बाहर बने घरों में, जहां मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले पुरुष श्रद्धालु ठहरते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इसके बाद उम्र ढलने पर वे भिखारी बनकर जीविका चलाती हैं। उनके माता और पिता अपनी जाति और वर्ग में चाहे उच्च हों या संभ्रांत, इस तरह अपनी लड़कियों को छोड़ देने के बाद भी समाज में आदर से देखे जाते हैं। इस प्रथा के तहत रहने वाली लड़कियों की एक पृथक जाति बन जाती है। ऐसी सभी स्त्रियों को देवदासी अर्थात देवताओं की वेश्या कहा जाता है और वे मंदिर की शान मानी जाती हैं। मैं अपनी फ्रेंड का एक संस्मरण बताना चाहूंगी। कर्नाटक राज्य, वहां के लोग बता रहे थे कि इन देवदासियों को भीख मांगने के अलावा कोई और कार्य करके जीविका चलाना वर्जित है, उसकी मनाही है। आप खुद सोचिए, भीख मांगने में कितनी जहालत मिलती होगी इन लोगों को। उत्तर पूर्व के एक शहर में भारतीय महिलाओं का एक पर्दा अस्पताल का बहुत नाम है। यहाँ भीरू स्वभाव वाली महिलाओं की भीड़ रहती है, जिन्हें उनके घरों की चार दीवारी के बाहर पहली बार निकलने का अवसर मिला है, और अगर वे बीमार ना पड़ती तो अब भी यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाती। मुस्लिम महिलाएं हमेशा और हिंदू महिलाएं यदाकदा पर्दा वाली गाड़ियों से यहाँ पहुंचती हैं, या बक्सेनुमा छोटी पालकी या डोलियों में बैठाकर लाई जाती हैं, जिनमें वे किसी तरह अपने शरीर को झुकाकर बैठ पाती हैं। यानी उच्च जाति की स्त्रियां भी आती हैं और निम्न जाति की स्त्रियां भी। ये सब यहाँ धार्मिक और जातीय भेदभाव को भुलाते हुए अपनी बीमारी, जिससे वे मर रही हैं, ये ठीक होने की मदद मांग रही हैं। ये अस्पताल का एक मंजिला भवन है, जिसमें कतार से अनेक कमरे हैं। इनमें कुछ वार्ड है और अलग अलग कमरे हैं। पहले साल में केवल 9 स्त्रियां ही प्रसव के लिए आई थी, पर अब यहाँ सारे बिस्तर भरे हुए हैं। यहाँ तक कि बरामदा भी चारपाइयों से भरा हुआ है। जगह न होने के कारण पीसीओ स्त्रियां यहाँ भर्ती होने के लिए चिरौरी कर रही हैं। सभी के चेहरे बताते हैं कि उनकी पीड़ा, उनकी बेबसी एक समान है। यहाँ लगभग महिलाओं की बीमारियों का ही इलाज होता है। इन बीमार स्त्रियों में बहुत सी युवा हैं और लगभग सभी यौन रोगों से संक्रमित हैं। ब्रिटिश महिला सर्जन अधीक्षिका कहती हैं, इन महिलाओं में लगातार एक बच्चा होने के बाद सुजाक की बीमारी हो जाती है और उससे उनकी कोख नष्ट हो जाती है, जिससे अंदरूनी अंग विवाह के पहले वर्ष में ही इस कदर नष्ट हो चुके होते हैं कि देखकर डर लगता है। यहाँ 90% स्त्रियों की कोख की सूजन के कारण सुजाक की बीमारी है। और इसे क्या हुआ है, मैं एक दूसरे बिस्तर के पास जाकर पूछती हूँ। उसके चेहरे पर हमें मृत्यु की पीड़ा दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने बताया, ये एक हिंदू अधिकारी की पत्नी है। इसके पहले प्रसव में ही बच्चा जीवित नहीं रह सका था, इसलिए 3 दिन पहले जब इसे दूसरे प्रसव के दर्द शुरू हुए तो इसका पति इसे यहाँ ले आया था। इसे दिल की बीमारी और दमा भी है। इसकी एक टांग भी टूटी हुई थी, मुझे इसकी टांग भी ठीक करनी पड़ी और प्रसव भी करवाया। इसे जुड़वा बच्चे हुए, पर वे भी मरे हुए। अब ये दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसकी उम्र 13 वर्ष कुछ महीने। आगे बढ़ने पर मैंने एक पीली पड़ चुकी लड़की को देखा, जो अपनी चिड़िया के पंजे जैसे हाथ में कागज का एक खिलौना पकड़े हुए थी। और इसे क्या हुआ, डॉक्टर कहती है, ये सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, खुश थी, पढ़ने में तेज थी। इसने अभी छात्रवृत्ति के लिए पुरस्कार जीता था, पर 5 महीने पहले छुट्टियों में इसके भाई ने इसे इसके आदमी के घर भेज दिया, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। उस आदमी की आयु 50 वर्ष है। आप इनके उम्र का अंतर देखिए। इसके साथ जो गलत काम हुआ उसे ये लड़की बताते हुए भी डरती है। हफ्तों तक ये बद से बदतर होती चली गई और अंत में पागल हो गई। इसके साथ इतना क्रूर दुष्कर्म हुआ है, इसके अंदरूनी जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। दुर्भाग्य से इसे यह याद नहीं कि इसके साथ क्या हुआ था। 36 वर्ष पहले जब सहवास के लिए सहमत आयु के बिल पर भारतीय विधायिका की बहस चल रही थी, तब समस्त महिला चिकित्सकों ने वायसराय से स्त्रियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में सामान्य मामलों को प्रस्तुत किया था, जो चिकित्सा के समय उनमें से हर एक के व्यक्तिगत अनुभवों से आए थे।
उनमें से कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं, जिनसे जाना जा सकता है कि जब वे मरीज पहली बार इलाज के लिए उनके पास आई थी तो उनकी कितनी बदतर स्थिति थी। आयु 9 वर्ष, विवाह के एक दिन बाद ही जांघ की हड्डी उतर गई थी, कोख नष्ट हो गई थी और मांस लटक गया था। आयु 10 वर्ष, खड़ी होने में असमर्थ थी, अत्यधिक खून बह रहा था, मांस के चिथड़े लटक गए थे। आयु 9 वर्ष, उसके साथ इस कदर बलात्कार हुआ था कि उसकी सर्जरी भी मुश्किल थी। उसके पति की और भी 2 पत्नियां जीवित थी और वे बढ़िया अंग्रेजी बोलता था, यानी कि पढ़ा लिखा था। आयु लगभग 7 वर्ष, अब ये 7 वर्ष के तो बच्चे होते हैं छोटे। अपने पति के साथ रहती थी, अब वह विवाह के 3 दिन बाद घोर यंत्रणा से तड़प तड़प कर मर गई। आयु लगभग 10 वर्ष, अपने हाथों और घुटनों पर रेंगकर अस्पताल आई, अपने विवाह के बाद से कभी भी खड़ी होने में समर्थ नहीं हुई। यह बात 1891 की थी। 1922 में यह विषय पुनः भारतीय विधायिका के समक्ष लाया गया। किसी ने भी विरोध नहीं किया और न ही कोई कर सकता था। जिस अंग्रेज ने अपनी बहस में इस प्रार्थना पत्र का उल्लेख किया था, वह उसका जोर से पाठ करने का साहस नहीं कर सका। उसने अपने भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया था, अधिकांश लोगों का कहना है कि इस बिल से आंदोलन की संभावना है। आंदोलन को मैं जितना नापसंद करता हूँ उतना कोई नहीं करता। मैं तो आंदोलन से ऊब गया हूँ। यह मामला जब स्त्रियों और बच्चों के जीवन से जुड़ा है तो मैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के शब्दों में केवल इतना ही कह सकता हूँ, आंदोलन करो और नरक में जाओ। हिंदू रिवाज में लड़की के जन्म को समान रूप से भारी बोझ और कर्ज माना जाता है, इसलिए बकायदा उसके जन्म पर परिवार के लोग दुखी होते हैं। लेकिन एक सच्चा गवाह भी मुझे मिला। वह एक समृद्ध हिंदू जमींदार था। उसने मुझसे कहा, मेरे 12 बच्चे हुए थे, मैंने उन्हें जिंदा नहीं रखा, उनका बोझ कौन सहन करता था। 2 लड़के अवश्य मैंने जीवित रखे थे। फीमेल फीटीसाइड आज भी हमारे समाज का एक नासूर है जो कहीं कहीं चोरी छिपे चल रहा है। लोगों के लिए लड़कियां इतनी नामुराद होती हैं। इस व्यवहार को मैंने स्वयं बंगाल के एक अस्पताल में देखा। वह 5 या 6 साल की बच्ची थी जिसका सिर कुएं में गिरने से फट गया था। उसकी माँ खून से लथपथ बच्ची को गोद में उठाकर बदहवास हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले आई थी। 1 या 2 दिन में उसे टिटनेस हो गया था। वह बच्ची मृत्यु के दरवाजे पर थी, उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती थी। लेकिन तभी जब उसकी माँ दुख और भय की मूर्ति बनी बच्ची से चिपटी हुई बुदबुदाती हुई भगवान से उसे ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी और अंग्रेज महिला डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी, अचानक एक बंगाली बाबू उसके पास आकर खड़ा हो गया, जो कोई साधारण कर्मचारी या क्लर्क लगता था। उसने डॉक्टर से कहा, मिस साहिब, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी? डॉक्टर सख्ती से चिल्लाई, बोली, देखो अपनी पत्नी की हालत को, यह तुम्हारी बच्ची, देखो इसे, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को तुरंत घर लेने आया हूँ ताकि यह अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करे। लेकिन यदि इसकी माँ चली जाएगी तो तुम्हारी बच्ची मर जाएगी, तुम उसे अलग नहीं कर सकते। बच्ची दर्द में भी माँ के जाने की खबर सुनकर डर से माँ से चिपट कर बिलखने लगी। वह स्त्री फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने पति के पैरों पर सिर रखकर साष्टांग मुद्रा में लेट गई और उसके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाकर गिड़गिड़ाने लगी, मेरे मालिक दया करो, मैं कहता हूँ मुझे तेरी जरूरत है, फौरन चल, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरे मालिक, छोटी बच्ची है मेरे मालिक, स्त्री फिर गिड़गिड़ाई। उसके पति ने उस विनम्र मूर्ति को अपने पैरों से जोर से धक्का दिया। यह कहकर मुझे जो कहना था कह दिया, वह उसे बिना देखे मुड़कर धूप की रोशनी में चला गया। जैसे ही वह स्त्री उठी, बच्ची ने चीख मारी। डॉक्टर, जो वर्षों से इस तरह की बातें देखती आई थी, चिल्लाकर बोली, तुम क्या उसका कहना मानोगी? स्त्री ने सिसकते हुए कहा, मैं ना मानने की हिम्मत नहीं कर सकती। और उसने अपने मुंह पर चादर डाली, वह अपने पति के पीछे निरी और कातर पशु की तरह दौड़ती हुई चली गई। मैं निशब्द हूँ इतनी क्रूरता अमानवीयता देखकर। हाय रे स्त्री, इतनी लाचार क्यों थी? जो लड़की अपने 9वें या 12वें साल में या उससे भी पहले अपने पति के घर चली जाती है, उसे किताबों से कुछ सीखने का न समय मिलता है और ना ही अवसर। वह 2 चीजें जरूर सीख लेती है, 1 पति की सेवा करने का धर्म और दूसरी अपने देवताओं और प्रेतों की मनौती का धर्म।
इसका वर्णन प्राचीन पद्म पुराण में मिलता है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। स्त्री के लिए उसके पति के सिवा कोई दूसरा भगवान पृथ्वी पर नहीं है। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वे अपने पति को खुश रखने के लिए उसकी हर आज्ञा का पालन करे। उसी के अनुसार चलना उसके जीवन का एकमात्र नियम होना चाहिए। पति कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, वृद्ध, बीमार या अपराधी, क्रोधी, विलासी, दुराचारी, शराबी और जुआनी भी, वह भले ही बदनाम जगहों पर जाता हो और दूसरी स्त्रियों के साथ खुलेआम व्यभिचार करता हो, भले ही उसे अपने घर से कोई लगाव ना हो, उसका व्यवहार भले ही पागलों की तरह हो, भले ही समाज में उसकी कोई इज्जत ना हो, वह अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो या बोलने में हकलाता हो, मतलब यह है कि उसमें कितनी ही बुराइयां और दुष्टता हो सकती है, पर पत्नी को उसे हमेशा अपने भगवान के रूप में देखना चाहिए। पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके चरित्र पर ध्यान दिए बगैर उसे अप्रसन्न करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। एक पति को उसके पति के भोजन कर देने के बाद ही उस भोजन करना चाहिए। यदि पति उपवास रखता है तो पत्नी को भी उपवास रखना चाहिए। यदि पति भोजन को नहीं छूता है तो पत्नी को भी भोजन नहीं छूना चाहिए। यदि पति कष्ट में है तो पत्नी को भी कष्ट में ही रहना चाहिए। यदि पति खुश है तो पत्नी को भी उसकी खुशी में ही शामिल होना चाहिए, और पति की मृत्यु होने पर पत्नी को भी उसी चिता में जलकर मर जाना चाहिए, तभी हर कोई उसका गुणगान करेगा। यदि पति गाता है तो पत्नी को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि पति नाचता है तो पत्नी को उसे देखकर हर्षित होना चाहिए। यदि पति ज्ञान की बातें करे तो पत्नी को उसे सुनकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पति की उपस्थिति में पत्नी को हमेशा आनंदित रहना चाहिए और कभी भी उसके सामने अपने चेहरे पर दुख का भाव नहीं लाना चाहिए। यदि इन कारणों से पत्नी घर छोड़ती है तो लोग उसका उपहास करेंगे और बुरा भला कहेंगे। यदि पति आवेश में आकर अपनी पत्नी को धमकाता है, अश्लील गालियां देता है, यहाँ तक उसे अकारण पीटता भी है, तो भी पत्नी को उसका जवाब विनम्रता से देना चाहिए। उसका हाथ पकड़कर उसे चूमे, उससे क्षमा मांगे, ना कि जोर जोर से चिल्लाए और घर से भाग जाए। पत्नी के शब्दों और आचरण से ये साबित होना चाहिए कि वे अपने पति को भगवान मानती है। यदि ये सब करती रहेगी तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा और वह पति भक्त और गुणी बनी रहेगी। इस पूरे प्रश्न में यही बार बार दोहराया है कि पति से अलग पत्नी का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वह तो कठपुतली मात्र है, इच्छा रहित, बुद्धि रहित। पद पुराण का लेखक एक निहायत ही धूर्त और क्रूर इंसान रहा होगा। पुराण संहिता में भी सास के प्रति भी बहू के धर्म को बताया गया है। हिंदू विवाह एक नए घर में जाने को नहीं कहता, बल्कि इसके विपरीत एक छोटी वधु को उसके पति के माता पिता के घर से जुड़ने को कहता है। वहां वह वधु तुरंत सास की नौकरानी के रूप में स्वीकार कर ली जाती है और उसी के इशारे और पुकार पर जिंदा रहती है। वह ससुर और नंद की हर इच्छा पूरी करती है। वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, वह विरोध भी नहीं कर सकती। उसका जीवन सिर्फ सेवा के लिए है। उसकी सास अक्सर कठोर होती है, जो उस पर दया और प्रेम किए बिना हुकूमत करती है। यदि वे लगातार लड़कियां पैदा करती है तो उस सास की जुबान घूसल बन जाती है, उसके हाथ घूसे बन जाते हैं। उसकी प्रतिहिंसक चेतना उस पीड़िता के जीवन को नई बहू लाने की धमकी से बेदम बना देती है, क्योंकि हिंदू रिवाज के अनुसार नई बहू लाकर उसे त्यागा भी जा सकता है और गुलाम भी बनाया जा सकता है। 14 और 19 वर्ष की आयु के बीच की अनेक लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, और एक ही कारण पुलिस लिखती है, पेट में दर्द और सास के साथ झगड़ा। एक दृष्टि विधवाओं के नारकीय जीवन पर भी डाल लेते हैं। एक विधवा स्त्री अपने स्वर्गीय पति के घर में हर व्यक्ति के लिए दासी की तरह काम करती है। सारे ही कठोर और गंदे काम उसी से करवाए जाते हैं। उसे दिन में एक बार खाने को दिया जाता है, वह भी घटिया। उसे कठोर व्रत रखने पड़ते हैं, उसके सिर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह किसी समारोह, मांगलिक कार्य, वैवाहिक या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल न हो, किसी गर्भवती स्त्री तथा उस व्यक्ति के सामने न आए जिस पर उसकी झलक पड़ने से उसका नुकसान हो सकता है। वह खुद ही अपने दुखों की पुजारिन होती है। इसी दुख में जीवन को जारी रखना उसका एकमात्र पुण्य कार्य रह जाता है। विधवा हो जाने के बाद पति के घर में रहने का उसका कोई कानूनी दावा नहीं रह जाता है। उसे असहाय अवस्था में बाहर निकाला जा सकता है,
तब उसे दूसरों के दान पर जिंदा रहना होगा या वह वेश्यावृत्ति से अपना जीविका चलाएगी। प्रायः ये विधवाएं मंदिर की भीड़ में या तीर्थ स्थलों की गलियों में, जैसे वृंदावन, काशी, मथुरा आदि, सूखे चेहरे और घुटे हुए सिरों में, जिन पर अभागे बुढ़ापे के कारण सफेद खूंटी वाले सख्त बाल दिखाई देते हैं, भीख मांगती हुई मिल जाती हैं। कोई भी बच्ची जब बड़ी हो रही होती है तो देखिए वे क्या पाने के लिए प्रार्थना करती है। अगर वे विवाहित नहीं है तो एक पति पाने के लिए, और अगर विवाहित है तो अगले जन्म में अच्छा पति पाने के लिए प्रार्थना करती है। स्त्रियां सबसे पहले पतियों के लिए प्रार्थना करती हैं, उसके बाद पुत्र पाने के लिए, क्योंकि पुरुषों को अपनी आत्माओं की मुक्ति के लिए पुत्रवान होना अनिवार्य है। ये हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू रिवाज में एक जच्चा स्त्री को स्वस्थ होने तक अपवित्र माना जाता है। उस स्थिति में वह जिसे छूती है वह भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए दाई का काम वही स्त्री करती है जो स्वयं अपवित्र यानी अछूत वर्ग की होती है। सनातनी हिंदू इस अछूत वर्ग को उनके गंदे कामों के कारण ही अपवित्र मानते हैं और उनको छूने से बचते हैं। जच्चा स्त्री और उसके नवजात बच्चे को बुरी नजर ना लग जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए भारत के बहुत से भागों में वह स्त्री जिसका बच्चा मर गया है और वह स्त्री जिसका गर्भ गिर गया है यानी गर्भपात हो गया है, वह दाई का काम नहीं कर सकती। दाई का काम कोई विधवा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह स्वयं अपशकुन मानी जाती है। भारत की स्त्रियों के उस अत्यंत नाजुक, खतरनाक और महत्वपूर्ण जीवन के समय उनकी सेवा करने के लिए ये गंदी और गरीबी में रहने वाली अंधी, कानी, बूढ़ी, अपंग, लकवाग्रस्त और बीमार दाइयां ही हैं। गर्भवती माँ अपने बच्चे के आने की कोई तैयारी नहीं करती। वह परिवार के इस दौरान फटे पुराने, गंदे, भद्दे और चीथड़े हो चुके कपड़ों को एक शेड या छोटे से अंधेरे कमरे में इकट्ठा करती रहती है। जब प्रसव का समय आता है वह युवा पत्नी उस बदबूदार गंदे कमरे में चली जाती है। अब वह अपनी प्रसव पीड़ा में अपवित्र हो जाती है। जो कुछ भी वह छूती है वह सब अपवित्र हो जाता है, जिसे उसके ठीक होने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कम खर्ची के नाम पर उसके पास केवल गंदी और खराब चीजें ही रखी जाती हैं। उसे लेटने के लिए पुरानी चारपाई दी जाती है जिसके पाए टूटे होते हैं। वह चारपाई भी उसी अंधेरे कमरे में अगली बार के लिए इस कार्य के लिए खड़ी रहती है, अन्यथा मिट्टी के फर्श पर गोबर के उपलों या पत्थरों को बिछाकर उसी पर लिटा दिया जाता है। जब दर्द शुरू होता है तो दाई को बुलाया जाता है। दाइयां इस अवसर के लिए पुराने गंदे कपड़े पहन लेती हैं, जो पहले से ही उन दाई के लगातार काम करते रहने के कारण बीमारी के कीटाणुओं से भरे होते हैं। इस तरह वे गंदे और बीमारी के कीटाणु युक्त कपड़े पहनकर अपने शिकार के लिए उस गंदे कमरे में बंद हो जाती हैं। अगर कमरे में कोई रोशनदान होता है तो वह उसे पुआल या रद्दी से बंद करवा देती हैं। वह रोशनदान से आने वाली ताजी हवा को बच्चे के जन्म के लिए बुरा बताती हैं। कहती हैं उससे बुखार आ जाता है। दरवाजे से आने वाली हवा को भी रोकने के लिए वह घर में मौजूद फटे पुराने कपड़ों की थेगली लगाकर पर्दा बनाकर दरवाजे पर टांग देती है और उसी पर्दे के भीतर अंधेरे कोनों में दीवार के सहारे जच्चा स्त्री को लिटा देती है। उसके बाद अंधेरे को और घना बनाने के लिए वे तेल में भीगी हुई एक बत्ती या बिना चिमनी वाली लैंप जलाती हैं, जो बुरा धुआं उगलता रहता है। वे एक बर्तन में लकड़ी का कोयला जलाकर जच्चा के निकट या खुटिया के पास रखती है, जिसका दम घोटू धुआं और भी बदबूदार हो जाता है। यदि प्रसव में किसी तरह का विलम्ब हो गया तो दाई से अपेक्षा की जाती है कि वह विलम्ब का पता लगाए। तब वह गंदी अंगूठियों, कड़े पहने हुए ही अनगिनत रोगाणु से भरे अपने बिना धुले पपड़ीदार लंबे हाथ मरीज के शरीर में घुसेड़ देती हैं और टटोलकर वहां जो होता है उसे खींचकर मरोड़ती हैं। यदि प्रसव में लंबा विलंब और कठिनाई होती है तो दूसरी या तीसरी दाई को बुलाया जाता है, बशर्ते मरीज का पति उसका खर्च वहन कर सके। अगर खर्च नहीं वहन करने की उसकी इच्छा है या उसकी हिम्मत है तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही माँ को बच्चे से अलग किया जाता है उसे आमतौर पर जमीन पर बिना ढके आरक्षित अवस्था में लिटा दिया जाता है। यदि वह लड़की है तो सदियों से चले आ रहे अनेक समान नियमों के तहत उस अप्रिय जीवन को वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह की प्रसव पीड़ा 3, 4, 5 और कभी कभी 6 दिन तक चलती है। जच्चा स्त्री को कोई आहार नहीं दिया जाता। दाई अपनी हर तरह की सारी परंपराएं चलाती है। वे अपनी मुट्ठियों से जच्चा की मालिश करती है, कई बार उसे दीवार के सहारे खड़ा कर उसके पेट पर अपना सिर मारती है, फिर उसे नंगी जमीन पर सीधा लिटाती है।
उसके हाथ पकड़कर अपने गंदे पैरों से उसकी जांघों पर वार करती है। जैसा कि डॉक्टर बताती हैं, अक्सर दाई के पैरों के लंबे और गंदे नाखूनों से जच्चा के मांस के चिथड़े उड़ जाते हैं। वह निधि जच्चा पर चढ़कर उसके शरीर को इस तरह कुचलती है जैसे कोई अंगूरों को कुचलता है। यही नहीं, वह कुछ अजीब सी चीजों की पोटली बनाती है जिसमें गुलखेरू की जड़ें या गंदी सुतली या शरीफे के बीज होते हैं, अथवा मिट्टी या मिट्टी मिश्रित लौंग, घी और गेंदे के फूल, या फिर छिलके या तेज गंध वाले मसाले भर देती है और जल्दी प्रसव कराने के कारण उसे जच्चा के गर्भाशय में घुसेड़ देती है। देश के कुछ भागों में तो बकरियों के बाल, बिच्छियों के डंक, बंदर की खोपड़ी और सांप की केचुली भी इस कार्य में उपयोगी समझी जाती है। मुझे तो पढ़कर ही मन बहुत विचलित हो रहा है कि इस अज्ञानता ने, इन रूढ़ी परंपराओं ने ना जाने कितनी जच्चाओं को तड़पाया होगा, मारा होगा। वो तो भला हो साइंस युग का, जिसके कारण आज डिलीवरी एक प्रशिक्षित और सुरक्षित हाथों द्वारा सुरक्षित माहौल में होने लगी है। इससे जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। इस संबंध में डॉक्टर मेरियन ए. वैली के शब्द हैं, ये स्थितियां केवल अत्यंत गरीब या अत्यंत अशिक्षित वर्गों तक कदापि सीमित नहीं है। मैं राजाओं के घरों में भी गई हूँ जहाँ मैंने इस तरह की बहुत सी प्रथाएं अमल में लाई जाती देखी हैं। ऐसे घरों में भी जहाँ मैंने हवा के आने तथा कीटाणु नाशक दवाइयों के इस्तेमाल की बात की तो उसका सख्त विरोध किया गया। लड़की चाहे मेहतर की हो या ब्राह्मण की, वह जाति बहिष्कृत हो या रानी, उन सबकी नियति एक जैसी ही है। पंजाब की उन अनेक ब्रिटिश महिला डॉक्टरों में भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली अत्यंत प्रतिष्ठित डॉक्टर एग्रेश सी स्कॉट कहती हैं, एक शिक्षित व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रसव कार्य के लिए एक अच्छी प्रशिक्षित दाई तो चाहता है, परंतु वह घर की पुरानी औरतों के अज्ञान और पूर्वाग्रह के कारण उनके विरोध के सामने बेबस हो जाता है, क्योंकि घर में असली हुक्म उन्हीं का चलता है। इस विषय में डॉक्टर के ओ बोघन कहती हैं, स्त्रियां ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। यदि कोई उन दादियों और परदादियों को प्रशिक्षित और जागरूक करने का कोई उपाय निकाल सके और उन्हें इस बात के लिए राजी कर सके कि वे अप्रशिक्षित गंदी दाई को ना बुलाएं, तो वह भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा, पर मेरे विचार से यह एक असंभव काम है। एक अन्य महिला सर्जन लिखती हैं, आमतौर पर सास या बूढ़ी महिला ही चच्चा की देखभाल करती हैं। चूंकि स्वयं उसकी प्रसव भी पुरानी परंपराओं से हुआ है, इसलिए वह उन्हीं को अपनाने पर जोर देती हैं। यह प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। प्रसव की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी घर की बूढ़ी महिला का ही काम है और पुरुष को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 100 साल करीब होने को जा रहे हैं इस पुस्तक को लिखे हुए, तब से आज तक लोगों की मानसिकता में बहुत ही कम बदलाव हुआ है। वो तो गनीमत है कि संविधान का डंडा उनके सिर पर पड़ने को हमेशा तैयार रहता है। इस कारण थोड़ी बहुत सामाजिक नैतिकता दिखती है उनमें। एक स्त्री अस्तित्व में आने के पहले से लेकर उसकी पैदाइश, उसका बचपन, विवाह, ससुराल, प्रसव पीड़ा, खान पान, वैधव और मृत्यु तक उनके ऊपर कठोर नियमों, बंधनों, रूढ़िवाद की जंजीरें कसी हुई हैं, जैसे कि वो इंसान ही नहीं हो, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं हो। मिस मियो ने जो गरीबों, अछूतों, शूद्रों और महिलाओं की बदहाली, राजाओं, सामंतों और ब्राह्मणों के शोषण तंत्र का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर शोषितों के आंखों से तो चिंगारी निकलेगी ही, वरन शोषकों के आंखों से भी चिंगारी निकलेगी, परंतु दोनों की अंतर्वस्तु में बुनियादी फर्क होगा। दुख तो तब होता है जब ये शोषणकारी जंतु अपने कुकृत्य के लिए माफी मांगने की बजाय इस अमानवीय संस्कृति का बचाव करते नजर आते हैं। कब इनकी इंसानियत और नैतिकता जागेगी? दोस्तों, इस बार का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, क्या करूं, कुछ विषय ही ऐसे थे जिसको इग्नोर करना मुश्किल था। अब आपका कर्तव्य है इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।